رايح بنزل من السيارة؟ ما زواج ولا لسه؟ لا لا لسه ما في زواج انا. ايوه لسه. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शाहिर अली सऊदी अरब से। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि एक सूडानी बंदे ने दो सऊदी लोगों की हालत बुरी कर दी है, उनको पुलिस तक पहुँचा दिया है। आखिर ये स्टोरी क्या है, आपने शुरू में तो वीडियो देखा ही होगा, उसी के बारे में आप लोगों से बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों ये जो सऊदी के जो दो लोग थे, ये लोग जो है प्रैंक्स वीडियो बनाते थे, ये बहुत सारे लोगों के साथ में प्रैंक्स कर चुके थे और सोशल मीडिया यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर चुके थे, टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड कर चुके थे। लेकिन अभी सोशल मीडिया में ट्विटर पे और टिकटॉक पे यूट्यूब में ये बड़ी वायरल चल रही है वीडियोस। अभी इस टाइम पे बहुत सारे सऊदी लोग इसको शेयर कर रहे हैं और वो जो सऊदी प्रैंक वीडियो बनाता था उसी को ये बोल रहे हैं, ठीक है। और जो सूडानी था, वो सूडानी के साथ में जब ये प्रैंक किया ये लोगों ने, तो वो सूडानी को पता चला कि ये मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रैंक वीडियो बना लिए। बनाने के बाद में जो है, जैसे वो कैमरा देखा, सूडानी परेशान हो गया। और जो पीछे लेडी बैठी थी, आपने देखा होगा, वो कोई लेडी नहीं है, बुरखे पे जो है बंदा रहता है बुरखे के अंदर। ये बुरखे को भी इस्तेमाल करके इन्होंने गलत काम किया है, ठीक है। ये तो यहाँ पर एक वायलेशन हो गया सऊदी अरब में। तो वो सूडानी बंदे का प्रैंक करने के बाद में, ये शुरू में कैसे करते हैं कि गाड़ी, जब ये जो सऊदी होता है, ये गाड़ी टैक्सी के तौर पे चलाता है, कस्टमर को बिठाता है। कस्टमर बैठने के बाद में वो जो मर्द आदमी होता है, जो कि बुरखा पहना हुआ होता है, लड़की की आवाज में बात कर रहा होता है, वो आकर के फिर से गाड़ी रोक करके वो गाड़ी में बैठ जाता है। तो इस तरह से ये लोग प्रैंक बनाते हैं। वो जो बुरखा पहना हुआ होता है, फिर वो कस्टमर को छेड़छाड़ करता है, बात करता है, फोन नंबर पूछता है, इसी तरह से ये लोग प्रैंक बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जब वीडियो वायरल हो जाती है, वो बंदे की अगर घर पहुंच जाएगी या उसकी फैमिली तक पहुंच जाएगी, तो उसकी जो प्राइवेट लाइफ होती है उसमें जो है ना मसला बन जाएगा, बन सकता है और बन गया। इन्होंने उसका प्रैंक तो कर लिया है और उसके साथ परमिशन भी ले लिया है कि भाई हम ये वीडियो तेरा पोस्ट करेंगे सोशल मीडिया पे। तो वो बंदे ने ओके बोल दिया है। उसको पता नहीं, क्योंकि ज्यादातर सूडानी लोग जो है जंगल में होते हैं, मजरा में होते हैं, उनके पास बड़ा वाला फोन नहीं होता, वो छोटा सा फोन रखते हैं। वो बंदा वही बता रहे, मैं तो कभी देखा ही नहीं, मेरे पास छोटा फोन रहता है, लेकिन मेरे घर से फोन आ गया है, मेरे बच्चे लोग मेरे को बातें सुना रहे, मेरी वाइफ जो है तलाक की मांग कर रही, यानी तलाक तक की बात आ गई है। क्योंकि भाई वो प्रैंक में था ही ऐसा कुछ, ठीक है। वो प्रैंक में जो है वो औरत जो है उसको ब्लैकमेल जैसे करते हैं ना, जैसे लव के चक्कर में फंसाने की, उस तरह से बातें कर रही थी, उसको हाथ लगा रही थी, तो ये सब गलत बातें है ना। तो वीडियो सूडान तक पहुंच गई, क्योंकि सूडान में भी टिकटॉक चलता है, यूट्यूब चलता है, वहां तक वो वायरल हो गई थी। तो वायरल होने के बाद तो जाहिर सी बातें पहुंचेगी। तो वो सूडानी बंदा जो है उनको परमिशन तो दिया, उसके बाद जो है वो बंदा अपने रूम पे जा करके वीडियो बना करके ये सब स्टोरी सुना रहा है, ये सूडानी, कि मेरे घर से ऐसा मेरे को फोन आया, मेरे बच्चे लोग हैं, मेरी बेटी है, ये सब ने वीडियो देखा है, उसके बाद बहुत सारी बातें मेरे को सुना दिया, मेरी तलाक तक बात आ गई है। यानी कि उसकी प्राइवेट लाइफ पर ये इफेक्ट हुआ है ना इस प्रैंक की वजह से। किसी की जिंदगी के साथ खेलना अच्छी बात नहीं होता है। तो वो सूडानी जैसे वीडियो बनाया, बनाने के बाद यहाँ सऊदी लोग को अपने ट्विटर पे जो है पोस्ट करना शुरू कर दिए, ये बंदे के साथ गलत हुआ है, ऐसा प्रैंक नहीं बनाना चाहिए। तुरंत तो पुलिस एक्शन लिया है, वो दो जो यूट्यूबर थे सऊदी अरब में मक्का में, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया है। वो अरेस्ट होने के बाद वो बंदा बहुत सारे वीडियोस अपने पोस्ट कर रहा है कि मैंने परमिशन लेके बनाया, ऐसे वैसे सब कुछ बोल रहा है, लेकिन अब आगे की क्या कार्रवाई होगी नहीं पता, लेकिन उसको अरेस्ट पुलिस ने कर लिया है। लेकिन उसी के बाद सूडानी बंदा जो है टिकटॉक लाइव में बैठ जाता है। लाइव में बैठने के बाद में 1 लाख से ज्यादा लोग उसको देखते हैं, बहुत सारे लोग गिफ्टिंग भी करते हैं, क्योंकि वो अपनी मजबूरी वहां पर सुनाते रहता है। तो ये सूडानी जो है उसका एक, मेरे को जहां तक लगता है, उन्हें एक फायदा भी उठाया है, या फिर मजबूरी सुना करके जो है बस किसी तरह से वो एक वायरल हो गया, बस वो वायरल चल रही है यहाँ पर। तो देखो, किसी के जिंदगी के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कोई आपके साथ प्रैंक कर रहा है, तो वो मसले में आपको फंसना नहीं चाहिए, अपने आप को सेफ रखना चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा प्रैंक हो जाए जो कि आपकी जिंदगी से खेल जाए, तो ये बहुत मुश्किल वाली बात है, ठीक है। सऊदी अरब में किसी के साथ मजाक करना, किसी का मजाक उड़ाना, ये सब बातों पर भाई ममनू है। किसी के साथ झगड़ा करना, फाइट करना, ये सब यहाँ पर बैन है, ममनू है, वायलेशन में आ जाते हैं। तो भैया ये न्यूज था, ये स्टोरी है, क्योंकि वो लोग प्रैंक वीडियो बहुत टाइम से बना रहे थे, लेकिन जो सूडानी को पकड़े उसके बाद उनकी हालत बुरी हो गई है।
सुडानी जो है इनकी हालत बुरी करके रख दिया है सऊदी अरब। तो आप लोग बताइए आपका क्या राय है, क्या मशवरा है इस वीडियो पे, इस बात पे जो कि इस बंदे के साथ हुआ है, क्या इसे वो लोगों को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे वे लोगों के साथ बनाया है, मैंने सिर्फ दो लोगों का लगाया, एक पाकिस्तानी है एक सूडानी है, दोनों का ही आपने देखा होगा। वैसे यहाँ पर मैं वीडियो चला रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, और इसको अल अरबिया न्यूज़ वालों ने भी जो है शेयर किया है, उन्होंने भी लिखा है कि ये गलत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपकी क्या राय है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ ऐसी कोई अपडेट लेकर के। ख्याल रखिएगा अपना। मा सलामा, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।